अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और हाँ अक्टूबर के महीने को टेक्टोबर भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने भर भर के और बैक टू बैक स्मार्टफोन लॉन्चेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में और पूरी दुनिया में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं अक्टूबर 2020 के महीने में। तो बिना टाइम गवाए उन स्मार्टफोन्स को देखते हैं। तो फाइनली एप्पल अपनी आईफोन 12 सीरीज़ को लॉन्च करेगा इस महीने, जो कि पिछले महीने सितंबर से डिले हो गई थी अक्टूबर में। अभी भी लेकिन एप्पल ने कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी है, जो कि बहुत बुरी बात है, बता देना चाहिए उन्हें। लेकिन लीक्स के मुताबिक 13 अक्टूबर की डेट सामने आ रही है। जैसे ही मुझे ऑफिशियल डेट पता चलेगी मैं आपको ज़रूर खबर दे दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आप लोग दबाते नहीं हो, नोटिफिकेशन नहीं आती हो, वीडियो नहीं देख पाते फिर आप। अब आईफोन 12 सीरीज़ के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि चार फोन्स आएंगे आईफोन 12 सीरीज़ में: आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो ये चारों मॉडल्स हैं जिनकी अगर आपको थोड़ी बहुत और डिटेल्स मालूम करना है तो आप मेरी ये वीडियो और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उस पर बहुत डिटेल से बताया था लेकिन बहुत कम लोगों ने देखा था। अब एप्पल इतना कुछ कर रहा है तो सैमसंग कैसे चुप बैठ सकता है दोस्तों? इसीलिए सैमसंग 8 अक्टूबर 2020 को एक अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी F41। अब इन्होंने ऑफिशियल डेट तो बता दी और इन्होंने यही बता दिया कि मिड रेंज स्मार्टफोन है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन और प्राइस जो है वो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा हमें। लेकिन कुछ डिटेल्स हैं जो बिल्कुल कन्फर्म्ड हैं, जैसे 64 मेगापिक्सल का रेयर यानी बैक कैमरा और 6000 mAh की बैटरी। अब चाइना वाले भी किसी से कम नहीं। वीवो ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो अपनी वीवो V20 सीरीज़ का लॉन्च 12 अक्टूबर 2020 में करेंगे, और इस सीरीज़ में हमें तीन फोन्स देखने को मिलेंगे: वीवो V20, वीवो V20 प्रो और वीवो V20 SE। अब जो SE वर्ड है वो तो इन्होंने आईफोन से चोरी कर लिया होगा, किसी को पता नहीं चला लेकिन अपन को पता चल गया। नीची आवाज में बात कर। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही ये फ़ोन लॉन्च होगा इसकी एक ऑनलाइन सेल शुरू हो जाएगी फ्लिपकार्ट पर। तो अगर आपको इस फ़ोन को परचेस करना है तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा चाइनीज स्मार्टफोन मेकर रियलमी। अब रियलमी क्या क्या कहने दोस्तों, जो कंपनी हर महीने स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हो वो इस महीने को कैसे छोड़ देगी? रियलमी ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो अपना Realme 7i इसी महीने लॉन्च करेंगे, लेकिन कोई ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं दी है। उनके CEO ने ट्विटर पे ट्वीट करा था #Realme 7i और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी रिवील करे थे, जैसे 90 Hz का डिस्प्ले, 18 W का क्विक चार्ज और 5000 mAh की बैटरी। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स लगते हैं सुनने में, लेकिन प्राइस आने के बाद ही पता चलेगा कि हमारी हैसियत है इस फ़ोन को ख़रीदने की या नहीं। अगले स्मार्टफोन लॉन्च से अक्टूबर का महीना थोड़ा स्पेशल हो जाएगा: गूगल पिक्सल 4a और गूगल पिक्सल 5। अब गूगल पिक्सल 5 जो है वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, लेकिन 4A ज़रूर होगा। कब होगा? 17 अक्टूबर को। अब गूगल पिक्सल 5 और 4A को मैं इसलिए स्पेशल कह रहा हूँ क्योंकि इनके प्री लॉन्च रिव्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त थे। अगर हम पिक्सल 4A की बात करें तो इसके अंदर आपको 5.81 इंच का OLED डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर और सिर्फ एक बैक कैमरा देखने को मिलेगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो जो एक बैक कैमरा है वो दूसरे फ़ोन्स के तीन तीन चार चार कैमरे पे भारी पड़ रहा है। अगर आप पिक्सल 4a की फ़ोटोज़ को फ्लैगशिप फ़ोन्स के फ़ोटोज से कंपेयर करेंगे तो पिक्सल 4a काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा है, और आप इसको देखिएगा ज़रूर। इस महीने का 6th स्मार्टफोन लॉन्च है मोटोरोला का मोटो रेजर 5G। ये कंपनी का नाम नहीं है लेकिन काम ज़बरदस्त है। ये मोटो रेजर के बाद सेकंड फोल्डेबल स्मार्टफोन है मोटोरोला का, और जैसा कि इसका नाम बताता है ये 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करेगा। अभी कंपनी ने कोई इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट्स नहीं रिवील करी हैं, जैसे ही रिवील करेंगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी भी दबा लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लैगशिप किलर भी किसी से कम नहीं दोस्तों। OnePlus भी अपना OnePlus 8T फ्लैगशिप स्मार्टफोन 14 अक्टूबर 2020 में लॉन्च करने वाला है, और इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट और वॉर्प चार्ज 65 जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और कहा जा रहा है कि ये OnePlus 8 से महंगा होगा, क्योंकि ये भाई OnePlus 8T है ना, इसलिए जाहिर बात है। दोस्तों एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको लॉन्च डेट्स याद रहें। सैमसंग गैलेक्सी F41
8 अक्टूबर को लॉन्च होगा वीवो V20 सीरीज 12 अक्टूबर, आईफोन 12 सीरीज होपफुली 13 अक्टूबर, उसके अलावा वन प्लस 8T 14 अक्टूबर और गूगल पिक्सल 4a 17 अक्टूबर। और बाकी दो फ़ोन जिनकी ऑफिशियल डेट्स कंपनी ने नहीं बताई थी वो है रियलमी 7i और मोटोरोला मोटो रेजर 5G। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि कौन कौन से फ़ोन्स आने वाले हैं अक्टूबर में, ताकि अगर आप फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हो तो आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ और एक अच्छा फ़ोन ख़रीद पाएँ, क्योंकि अच्छा फ़ोन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ोन हमारा दूसरा दिल होता है इसीलिए। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ जो फ़ोन ख़रीदने वाले हैं या रिलेटिव्स के साथ। बस दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है, और भाई बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नहीं तो भाई वीडियो आती नहीं है नोटिफिकेशन, और जैसे ही अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे आपको मेरी वीडियोस जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अब बहुत बातें कर रहा हूं मैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गुफ्तगू जारी है।